नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको महिषासुर मर्दिनी स्रोत के विषय में जानकारी दूंगी। यह स्रोत बहुत ही शक्तिशाली है। जब हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है या हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमको उसमें सफलता नहीं मिलती तो हम निराश होते हैं, तो यह पाठ करने से हमको उसका लाभ मिलता है, हम निराशा से दूर होते हैं। वैसे तो ये पाठ नवरात्रों में करना चाहिए, लेकिन जब मन हो तब हम कर सकते हैं, मेरा तो यह मानना है। हमारे जीवन में हम एक मनुष्य हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, अनेक प्रकार के हमारे शत्रु होते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा अपना स्वयं का गुस्सा है। यह पाठ करने से हमारा मन शांत होता है, गुस्सा काबू में भी रहता है। इस स्रोत के नीचे जब हम यह पाठ करते हैं, स्रोत के नीचे हिंदी में भी व्याख्या दी है। संस्कृत में तो ये स्रोत है ही, लेकिन इसमें हिंदी में भी व्याख्या दी गई है और हम हिंदी की व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। इस स्रोत में 22 श्लोक हैं। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने भी बहुत दिनों तक इस पाठ को किया है और यह पाठ, जिस भी पाठ के विषय में मैं आपको जानकारी देती हूँ तो मैं अपना अनुभव करती हूँ, उसके आधार पर मैं आपको बताती हूँ। मुझे बहुत इस पाठ करने से लाभ हुआ, मेरे गुस्से के में अंदर शांति आई, मेरा मन भी सही रहा, स्वस्थ रहा। यदि यह पाठ हम लगातार करते हैं तो हमको एक रस की अनुभूति होने लगती है, हम भाव विभोर होने लगते हैं। यह मेरा अपना अनुभव है। मैं जिस भी स्रोत को करती हूँ उसके विषय में आपको बताती ही हूँ। इस स्रोत को संकटा स्तुति के नाम से भी जाना जाता है और हमारे ग्रह नक्षत्र भी यदि खराब होते हैं तो भी हमको यह पाठ करने से लाभ होता है। इस स्रोत को सुनने से भी लाभ हमको प्राप्त होता है। इस स्रोत के अंदर माँ की बहुत सुंदर स्तुति की गई है। यह हिंदी व्याख्या के अंदर हम पढ़ेंगे तो हमको महसूस होगा माँ का बहुत सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। और जब हम ये पाठ करते हैं तो पाठ हमको बड़ी तन्मयता से करना चाहिए, जिसका हमें लाभ प्राप्त हो।